राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही नकली लाल किला बना लिया था और उस पर झंडा भी लहरा लिया था जो उनकी सत्ता की भूख कितनी है वो दिखाता है आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री थे पहला दूसरा आज राहुल जी के अधिवेशन का भाषण जो था उससे एक ही निचोड़ निकलता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं कांग्रेस और देश की बात तो मैं बाद में करूंगा एनडीए के खुद के साथी रामविलास पासवान शिवसेना टीडीपी सब एक स्वर में बोल रहे हैं और रामविलास मन जी ने कांग्रेस भाजपा को कांग्रेस से सीखना चाहिए आज लोग कानों को भाजपा के साथी कानों को हाथ लगा के कह रहे हैं कमल की भूल, फूल हमारी सबसे बड़ी भूल थी तो राहुल गांधी पे टिप्पणी करने के बजाय पहले यह बताइए जो आपकी डूबती किश्ती है हर कोई क्यों कूद रहा है उससे राहुल गांधी जी ने आज साफ कर दिया है धर्म के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करती है उनकी इसके कोई सफलता नहीं मिलने वाली वो उन्होंने मोदी जी की जुमलेबाजी ड्रामेबाजी आपने कहा जनता देखना चाहती है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री में कहता हूं क्यों आज राहुल गांधी बेरोजगारी दो करोड़ युवा महाराष्ट्र का आंदोलन भूल गए कितने किसान आए थे किसान की आत्महत्या हो रही है और मोदी जी कहते हैं योगा करो जो राहुल जी कहते हैं तो पर पर जैवी। मैंने आपको उतना तो ही टाइम दिया जितना पात्रा को मिला लेकिन लेकिन, लेकिन मेरा 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 पॉइंट 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 एक प्ञाएं। एक, प्ञाएं। एक आपने तो किसान आत्महत्या की बात करी सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर्नाटक में हो रही है जो आपका शासित राज्य है सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर्नाटक में है जो आपका शासित राज्य है जहाँ पर आपकी सरकार है लिंगायत धर्म मान लिया है जो हिंदू धर्म का हिस्सा था सच्चाई ये भी है किसम ना उतना जयवीर 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 होल्ड ऑन ओके ओके समित पात्रा थर्टी सेकेंडरी बाटल थर्टी सेकेंडरी बाटल संबित पात्रा जयवीर होल्ड ऑन जयवीर होल्ड ऑन समित पात्रा रिस्पॉन्ड वाराणसी घूम रहे हैं किसानों के हैं हैं ये कहते है लाल झंडे वाले मोदी जी को लाल झंडे तो अरे दिखते मैं, मैं तो बिल्कुल निकले लहू उनके बीच में बिल्कुल पॉइंट देखिए अमीश भाई मैं एक आपसे क्लैरिफिकेशन चाहता हूं अमीश भाई कल पूरे सी और न्यूज़ एटीन के सारे ट्विटर हैंडल पर एक खबर चली जो सुबह भी आज चल रहा था आप बताइएगा सही है कि नहीं कर्नाटक के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने डिमांड किया है कि राहुल गांधी कर्नाटक आकर चुनावी रैली या चुनावी प्रचार ना करे क्या ये हकीकत है जो न्यूज 18 ने ट्वीट किया था और जो आपके हेडलाइन में चल रहा है मैं ये जानना चाहता हूं आपसे आप, आप हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उसके बाद में देखिए आप जिस खबर की बात कर रहे हैं हमारे सो, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर वो खबर है और कांग्रेस के एक इलाके के नेताओं ने ऐसा कहा है जो मेरी जानकारी जी 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 धन्यवाद 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 देखिए इससे बड़ा और सर्टिफिकेट क्या चाहिए ये सर्टिफिकेट थोड़ा सा वहां से प्रिंट आउट निकाल के 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 हमारे जो कांग्रेस के जो कांग्रेस आए हैं हैं उनको दीजिए ये प्रधानमंत्री रूप में देखना चाहते ना राहुल गांधी जी को उनको दीजिए कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को कैंपेनिंग मोड में देखना नहीं चाहते हैं जी, दूसरी बात मैं बता दू कल राहुल हमारे शेरगिल भाई भी वहां मौजूद थे उन्होंने भाषण भी दिया प्लेनरी में सुनिए सुनिए देखिए कल राहुल गांधी जी ने कहा कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में एक दीवार है और उस दीवार को गिराना होगा ये दीवार कैसे गिरेगा आप मुझे बताइए देखिए 2004 में राहुल गांधी जी को सोनिया जी लाते हैं सोनिया जी उनको एमपी बना देते हैं हम एठी से 2007 में बिना कुछ किए उनको जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं 2013 में उन्होंने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया था जयपुर में उनको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं 2013 से 2018 तक लगातार थर्टी चुनाव वो हारते हैं उसके बावजूद भी वो प्रेसिडेंट बताइए के आधार पर अगर मैं अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला सुन लीजिए